अब ये बेसल फंक्शन के चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 है, प्रूव दैट डी बाई डी एन जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन अपॉन एक्स जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन अपॉन एक्स जे एन प्लस वन स्क्वायर। ये जो एग्जाम्पल चल रहा है जिनमें रिकरेंस फार्मूला यूज होता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली शर्त है कि हमें सारे रिकरेंस फार्मूले जो है वो याद होने चाहिए। अब ये भी जो है हमारे फर्स्ट और सेकंड रिकरेंस फार्मूले का रिलेशन है। अब इसमें एलएचएस उठा देते हैं, डी बाई डी एक्स जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा टू जे एन जे डैश एन प्लस टू जे एन प्लस वन जे डैश एन प्लस वन इक्वेशन नंबर वन। अब आंसर में जे एन स्क्वायर और जे एन प्लस वन होल स्क्वायर है और जे डैश एन गायब करना है और जे डैश एन प्लस वन भी जो है गायब करना है। ये दोनों वैल्यू लेने के लिए हम चलते हैं रिकरेंस से, फ्रॉम फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। फर्स्ट रिकरेंस फार्मूले को ले लीजिएगा, उसमें है एक्स जे एन डैश एक्स इक्वल टू एन जे एन माइनस जे एन प्लस वन। यहाँ से जे एन डैश की वैल्यू ले लीजिएगा एन अपॉन एक्स जे एन माइनस जे एन प्लस वन एक्स, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई है। ये जे एन डैश की वैल्यू आप ध्यान रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर वन में। और एक अब जे एन प्लस वन चाहिए, अब सेकेंड रिकरेंस रिलेशन लेंगे फ्रॉम सेकेंड रिकरेंस रिलेशन। अब सेकेंड रिकरेंस रिलेशन लेने वाले हैं हम, इसमें है एक्स जे एन डैश इज इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस जे एन माइनस वन, ये सेकेंड रिकरेंस रिलेशन है। अब इसमें वैल्यू ये चाहिए मुझे जे डैश एन प्लस वन की, यहाँ पर एन को रिप्लेस कर दीजिएगा एन प्लस वन से, रिप्लेस एन विद एन प्लस वन, एन प्लस वन डैश इज इक्वल टू माइनस एन प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ जे एन प्लस वन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा जे एन अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर टू आ चुकी है, इक्वेशन नंबर थ्री आ चुकी है। अब ये वैल्यू जैसे आप इक्वेशन नंबर वन में डालेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यूज इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन। इक्वेशन टू और थ्री से जो वैल्यू आ रही है उसे इक्वेशन नंबर वन में डाल दीजिएगा और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब इसी का अगला पार्ट हो जाता है एग्जाम्पल नाइन। एग्जाम्पल नाइन को कंप्लीटली नहीं करेंगे, प्रूव दैट जे जीरो स्क्वायर प्लस टू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू वन, ये प्रूव करना है। ये एग्जाम्पल पूरा नहीं कर रहे हैं, बस यही रिलेशन प्रूव करके दिखाएंगे। और यहाँ पर और इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए देखिएगा स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पर मुझे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एग्जाम्पल नंबर एट का रिलेशन मुझे जो है यहाँ पर लाना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर एट करेंगे और उसमें एन की वैल्यू डाल करके ऐड कर देंगे। सॉल्यूशन में यानी कि टू एग्जाम्पल एट, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर एट करेंगे तो डी बाई डी एक्स के आगे हो जाएगा जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन अपॉन एक्स जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन अपॉन एक्स जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वन अपॉन एक्स तो कॉमन आ जाएगा और एन इज इक्वल टू जीरो वन टू डॉट डॉट। यहाँ डी बाई डी एक्स जे नॉट स्क्वायर प्लस जे वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स बाहर रख लेते हैं, ये जीरो आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा जे वन स्क्वायर
एन इक्वल टू वन डालते हैं तो डी बाई डी एक्स ये हो जाता है जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर टू अपॉन एक्स आ जाएगा, इनकी जगह वन डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा जे वन स्क्वायर माइनस टू जे टू स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब एन की जगह दो डालिएगा जे टू स्क्वायर प्लस जे थ्री स्क्वायर टू अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा टू जे टू स्क्वायर माइनस का थ्री जे थ्री स्क्वायर एंड सो। अब इस तरह से सीक्वेंस आपकी चलती चली जाएगी। अब इन सबको ऐड कर दीजिएगा एडिंग, यहाँ डी अपॉन डी एक्स के आगे देख लीजिएगा जे नॉट स्क्वायर तो एक बार आएगा बाकी सारे रिपीट हो जाएंगे टू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर एंड सो ऑन। और राइट हैंड साइड में देखिएगा सारी टर्म जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई भी टर्म आपको नहीं बचेगी, ये राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ से। अब ये रिजल्ट है हमारा इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट में कॉन्स्टेंट आ जाएगा जे नॉट स्क्वायर प्लस टू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे x इक्वल टू जीरो रखना है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x इक्वल टू जीरो रखना है। अब यहाँ पर जे वन जे टू जे थ्री डॉट डॉट चल रहा है आपका, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो रखना है मुझे तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेंगी आपकी आप यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि जे एन एक्स इजिकल टू था समेशन आर इजिकल टू जीरो टू इनफाइनाइट समेशन आर इजिकल टू जीरो टू इनफाइनाइट या वैल्यू डायरेक्ट उठा लेते हैं जे जीरो एक्स की वैल्यू, जे जीरो एक्स जे एन एक्स आपके सब समेशन होते हैं। अब ये एक्सपेंशन वाला उठा लीजिएगा जे एन एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन अपॉन टू की पावर एन गामा एन प्लस वन और यह हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू टू एन प्लस टू एंड सो ऑन। पुट एक्स इक्वल टू जीरो रख दीजिएगा यहाँ पर तो जे एन जीरो इक्वल टू एक्स टू की पावर ये टर्म जो है हमारी जीरो में चली जाएगी यहाँ पर एन इजिकल टू जीरो। बल्कि ऐसे करिएगा पुट सबसे पहले एन इजिकल टू जीरो रखिएगा यहाँ पर बनेगा जे जीरो एक्स, अगर इनकी जगह जीरो रख रहे हैं तो ये बनेगा वन अपॉन टू की पावर एन गामा एन प्लस वन एन इजिकल टू जीरो वन टू एंड सो ऑन। ये भी बढ़ा देता हूँ वन अपॉन टू की पावर एन गामा एन प्लस वन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एन की जगह जीरो रखेंगे तो टू एंड सो ऑन। अब जे वन एक्स अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन या एन की जगह जीरो रखना था टू की पावर जीरो वन हो जाएगी और गामा वन की वैल्यू भी वन हो जाएगी हम वन अपॉन वन आ जाएगा यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन टू और गामा टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन की जगह वन रख रहे हैं टू फोर एंड सो ऑन। जे टू एक्स लेने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू स्क्वायर हो जाएगा गामा थ्री हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू तो ये हो जाएगा सिक्स एंड सो ऑन। अब इसमें सब में वैल्यू रख दीजिएगा खुद एक्स इक्वल टू जीरो, जब इसमें आप एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो देखिएगा जे जीरो एक्स की जो वैल्यू है वो तो यहाँ से वन मिल जाएगी लेकिन यहाँ सब में बाकी सब में एक्स पड़ा होगा ये सारे के सारे जीरो में चले जाएंगे तो जे जीरो एक्स इजिकल टू जीरो सॉरी वन और जे वन एक्स इजिकल टू
जे टू एक्स इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ये सारे जीरो में चले जाएंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सारी वैल्यू यूज कर लीजिएगा यूज इन इक्वेशन वन। तो यहाँ पर जे जीरो की वैल्यू तो वन हो जाएगी प्लस जीरो इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन वन। इसे इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे तो जे नॉट प्लस टू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू वन। और इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल जो है वो प्रूफ हो जाता है। एग्जाम्पल 10 नहीं करेंगे, 11 नहीं करेंगे, 12 नहीं करेंगे, 13 नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13। डू नॉट डू, ये तीन एग्जाम्पल को नहीं करना है। रिकरेंस रिलेशन हमारे बहुत सारे हो चुके हैं। अब हमारा नंबर आता है एक्सरसाइज 10 ए का। एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन भी हमें नहीं करने हैं, एक हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन। ये 2009 में आया है, इसमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट, यहाँ करेक्शन है पुरानी बुक में तो करेक्शन हो गया यहाँ, प्रूफ दैट जे थ्री प्लस जे जीरो डैश प्लस फोर जे जीरो ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जीरो। ये फोर्थ क्वेश्चन में वो प्रूव करना है जे थ्री प्लस थ्री जे जीरो डैश प्लस फोर जे जीरो ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। यहाँ पर देखिएगा एक्स का कोई रोल नहीं है, तो मुझे ऐसा रिकरेंस रिलेशन देखना पड़ेगा जिसमें डिफ्रेंशिएशन भी आता हो और जे और एक्स ना आता हो। तो इसमें हम लेंगे बाई थर्ड रिकरेंस रिलेशन, थर्ड रिकरेंस रिलेशन से हम लेने जा रहे हैं टू जे एन डैश जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। ये हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन हो चुका है। अब इसी रिकरेंस रिलेशन को हमें बार बार जो है वो प्रूव करना है, क्योंकि देखिएगा हमें जाना है तीन डिफ्रेंशिएशन तक। कितने? तीन डिफ्रेंशिएशन तक जाना है। इसे इक्वेशन नंबर वन लिख देते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं और दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई विद टू, तो यहाँ टू का स्क्वायर हो जाता है और जे एन डबल डैश हो जाता है, यहाँ हो जाता है टू जे डैश एन माइनस वन और टू जे डैश एन प्लस वन। जे का डिफरेंशियल होकर के जे डैश आ जाता है। अब यहाँ से ये टू जे एन डैश माइनस वन है, तो यहाँ पर एन की जगह एन माइनस वन डाल दीजिएगा, ये वैल्यू निकालने के लिए एन प्लस वन डाल दीजिएगा, यूज इक्वेशन वन। तो ये हो जाता है फोर जे एन डबल डैश इज इक्वल टू टू। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से डालने वाले हैं आप, तो एन की जगह आप एन माइनस वन रखेंगे, तो ये हो जाएगा जे एन माइनस टू माइनस जे एन। ये वैल्यू तो इसकी आ गई है, माइनस ये वैल्यू लेने के लिए आप एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे, तो ये हो जाएगा जे एन माइनस जे एन प्लस टू। एन की जगह आपने एन प्लस टू रख दिया है। अब यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाती है फोर जे एन डबल डैश इज इक्वल टू जे एन माइनस टू माइनस टू जे एन प्लस जे एन प्लस टू। अब यहाँ से जो रिलेशन है वो जे एन प्लस टू तक जा चुका है ना। अब यही प्रोसीजर एक बार और करिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये हो जाएगा आठ जे एन ट्रिपल डैश इज इक्वल टू टू जे डैश एन माइनस टू माइनस
और इसे इस तरह से लिख लीजिएगा, टू इंटू टू जे एन डैश प्लस टू जे डैश एन प्लस टू। अब राइट हैंड साइड में तीन बार डैश आ चुका है, अब इक्वेशन नंबर वन का दोबारा से यूज करिएगा। यूज इक्वेशन वन, तो ये हो जाता है एट जे एन ट्रिपल डैश इज इक्वल टू टू जे डैश एन माइनस टू है। जब ये वैल्यू आप रखने जाएंगे तो एन की जगह एन माइनस टू डालेंगे, तो ये हो जाता है जे एन माइनस थ्री माइनस जे, और एन माइनस टू डाल रहे हैं तो यहाँ हो जाता है जे एन माइनस वन माइनस, यहाँ टू एक बचा लीजिएगा, ये वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ रख देंगे जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन प्लस। अब यहाँ देख लीजिएगा एन की जगह एन प्लस टू रखना होगा, ये हो जाएगा जे एन प्लस वन हो जाएगा और माइनस जे एन प्लस थ्री हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा जे के सफिक्स में जे पर ट्रिपल डैश और सफिक्स में जीरो है, एन की जगह यहाँ पर जीरो डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा एट जे जीरो ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जे माइनस थ्री माइनस जे माइनस वन, और एन की जगह जीरो डालेंगे तो यहाँ माइनस वन और माइनस का टू माइनस का थ्री जे माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू जे वन आ जाएगा, टू जे वन ये रहे और एक ये रहे, तो यहाँ पर ये भी तीन हो जाएंगे थ्री जे वन और माइनस का हो जाएगा जे थ्री। अब देखिएगा जे के जो नंबर हैं, जे के जो आपके नंबर हैं उनमें माइनस भी आया है प्लस भी आया है, लेकिन जो वैल्यू आपको प्रूव करनी है उन पर माइनस का नंबर नहीं है। अब इनके मैं माइनस हटाने वाला हूँ, क्योंकि जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन जे एन एक्स होता है। इस रिलेशन को दो बार यूज कीजिएगा, एक जे माइनस थ्री में और एक जे माइनस वन में, तो ये हो जाता है एट जे जीरो ट्रिपल डैश इज इक्वल टू यहाँ माइनस वन की पावर वन जे थ्री हो जाता है और माइनस थ्री माइनस वन की पावर वन जे वन हो जाता है, प्लस का थ्री जे वन माइनस का जे थ्री, तो माइनस का जे थ्री और माइनस माइनस प्लस थ्री जे वन प्लस थ्री जे वन और माइनस का जे थ्री, तो इस तरह से आपका ये हो जाता है फोर जे जीरो ट्रिपल डैश इक्वल टू छः का थ्री जे वन हो जाएगा थ्री जे वन और माइनस का हो जाता है जे थ्री। अब यहाँ से रिलेशन बन जाता है हमारा फोर जीरो ट्रिपल डैश प्लस जे थ्री प्लस थ्री माइनस का थ्री जे वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए कौन कौन सी टर्म मिल चुकी है, ये टर्म मिल गई है और जे थ्री वाली टर्म भी हमें मिल चुकी है। अब यहाँ जे जीरो डैश है जबकि यहाँ माइनस का जे वन है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल का यूज करेंगे, चूंकि जे जीरो डैश इक्वल टू था माइनस का जे वन, ये रिलेशन यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो फोर जे जीरो ट्रिपल डैश प्लस जे थ्री प्लस थ्री जे जीरो डैश इक्वल टू जीरो। 2009 का क्वेश्चन था। अब एक 10th क्वेश्चन करना है, इवेल्युएट जे थ्री एक्स इन टर्म्स ऑफ जे जीरो एक्स कॉमा जे वन एक्स। जे थ्री एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ जे जीरो एक्स एंड जे थ्री एक्स, तो मुझे रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब रिकरेंस रिलेशन मुझे इस प्रकार से चाहिए होगी जो वैल्यू को बढ़ा दे और उसमें डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं होना चाहिए। अभी रिकरेंस रिलेशन यूज करने जा रहे हैं हम फोर्थ रिकरेंस।
5 4 रिकरेंस फार्मूला। अब ऐसा रिकरेंस रिलेशन देखना है मुझे जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाता है 2njnx=x jn-1x + jn+1x। अब j3x की वैल्यू चाहिए हमें, j3x की वैल्यू यहां से चाहिए। अब यहां से एक वैल्यू दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट होती चली जाएगी, तो यहां से देख लीजिएगा इसकी वैल्यू निकालिएगा jn+1x = यहां x अपॉन में चला जाएगा 2n/(x)jnx और माइनस jn-1x इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करिएगा n = 1 डालेंगे तो j2x = हो जाएगा 2/(x) j2x n = 1 डाल रहे हैं j1x - j0x इक्वेशन नंबर 2। और आगे बढ़ाइएगा, आपको j3 तक जाना है। इक्वेशन 1 में n की जगह 2 डालिएगा, ये हो जाएगा j3x = 2 डाल रहे हैं तो 4/(x) j2x - j1x। n की जगह हमने यहाँ पर 2 डाल दिया है तो j3x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 से, यूज इक्वेशन 2, तो 4/(x)(j1x - j0x - j1x) 8/(x)2(j1x - 4/(x)(j0x - j1x) तो यहाँ j3x j1 दो बार है तो ये हो जाएगा 8 - x²/(x²)(j1x - 4/(x)(j0x) ये हमारा आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और बना देता हूं नोट, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, यानी कि सबसे पहले जैसे कोई भी वैल्यू अगर आगे की निकालनी है तो आप इस रिकरेंस फार्मूले से वैल्यू आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये रिकरेंस फार्मूला इस मामले में बहुत काम करता है कि जो वैल्यूज हैं आपकी वो आगे तक चली जाएंगी। नो यानी कि अगर आप बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में j-1/2 की वैल्यू आई थी √2/(5x) और cos x, और j1/2x की वैल्यू आई थी √2/(π(x) और sin x, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं 2 example 1, यानी कि अगर एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं तो j-1/2 की वैल्यू आ जाती है और j+1/2 की वैल्यू आ जाती है, और इसे जो है आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इस वाली लाइन को यहाँ से लेकर के आ जाइएगा, यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ मैं n की जगह 1/2 रखता हूँ, तो यानी कि यहाँ पर n की जगह अगर मैं 1/2 रख देता हूँ तो यहाँ मुझे मिल जाता है j3/2x = n की जगह 1/2 रख रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/(x)(j1x - j-1/2x) अब इसमें j1/2x की वैल्यू ऊपर ये रख दीजिएगा, j-1/2x की वैल्यू ये रख दीजिएगा और आपको j3/2x मिल जाएगा, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसी में ही अगर n की जगह हम 3/2 रख देते हैं, n की जगह अगर 3/2 रख देते हैं तो ये बन जाता है j5/2x = n की जगह 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/(x) j3/2x - j
इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, वैल्यू निकाल लेना। अब यहाँ से वैल्यू जे थ्री बाई टू की आएगी, अब यहाँ पर जे थ्री बाई टू की वैल्यू रख देंगे और जे हाफ की वैल्यू ये वाली रख देंगे तो वैल्यू जे फाइव बाई टू की आ जाएगी। इसी प्रकार से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कितने भी आगे तक के मान निकाल सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल नंबर वन जे माइनस हाफ जे प्लस हाफ देता है तो चौथे रिग्रेंस आप जे थ्री बाई टू फिर जे फाइव बाई टू जे सेवन बाई टू डॉट डॉट करके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कोई वैल्यू अगर निकालनी है तो आगे तक इस रिग्रेंस रिलेशन से आप जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन नहीं करते हैं, अब आगे तो एक्सरसाइज नहीं है लेकिन उसमें एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आर्टिकल है 10.8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग बेसल फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विस्तार देखने जा रहे हैं जिसमें बेसल फंक्शन आते हो, और ये आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए एज ए फार्मूला काम करेंगे। ए पार्ट में है कॉस एक्स साइन फाइव इक्वल टू जे नॉट प्लस टू जे टू कॉस टू फाइव प्लस टू जे फोर कॉस फोर फाइव साइन एक्स साइन फाइव में जो टू जे वन साइन फाइव प्लस टू जे थ्री साइन थ्री फाइव। असल में क्या होगा, पहले ये वाले दोनों रिलेशन डेराइव होंगे, इस ए वाले रिलेशन से सी वाला आएगा, बी वाले से डी वाला आएगा, फिर ए वाले से ई वाला आ जाएगा, बी वाले से एफ वाला आ जाएगा। यानी कि मेन बात यह है कि ये दोनों रिलेशन जो है वो मेन है और इन दोनों रिलेशन की हेल्प से बाकी के दोनों रिलेशन प्रोड्यूस किए गए हैं। तो इन रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें जनरेटिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। व्हाइल जनरेटिंग फंक्शन e to the power x upon 2 z minus 1 upon z is equal to summation n is equal to minus infinite to infinite z to the power n or jnx। या jnx को शॉर्ट में लिख दीजिएगा jn। अब यहाँ पर वैल्यू डालनी शुरू करिएगा e to the power x upon 2 z minus 1 upon z। सबसे पहले यहाँ पर जीरो डालिएगा तो ये जे जीरो आ जाएगा प्लस। अब दो वैल्यू एक साथ डालिएगा, एक प्लस की वन डालिएगा, एक प्लस की वन और एक माइनस की वन, तो ये हो जाएगा जेड जे वन प्लस जेड की पावर माइनस वन जे माइनस वन। अब दो डालेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जे टू प्लस जेड की पावर माइनस टू जेड टू एंड सो ऑन। और इसी तरह से प्रोसीजर अप्लाई होता चला जाएगा। अब यहाँ पर यूज करेंगे आप जे एन जे माइनस एन इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन जे एन। अब जहाँ भी जे के नीचे माइनस पड़ा हुआ है उसे हटा दीजिएगा तो ई टू दी पावर एक्स जेड माइनस जेड की पावर माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ जे नॉट आ जाता है प्लस यहाँ हो जाएगा जेड माइनस जेड की पावर माइनस वन जे वन जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर माइनस टू जे टू। जहाँ पर ओल्ड पावर है वहाँ पर माइनस बनेगा और जहाँ इवन पावर है वहाँ प्लस बनेगा प्लस जेड क्यू माइनस जेड की पावर माइनस थ्री जे थ्री प्लस जेड की पावर फोर प्लस जेड की पावर माइनस फोर जे फोर। इस तरह से वैल्यू आती चली जाएगी। अब बी एस सी पार्टनर की ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं फुट जेड इक्वल टू ई टू दी पावर आई फाइव क्या यूज कर रहा है जेड इक्वल टू ई टू दी पावर आई फाइव तो यहां पर ई टू दी पावर आई फाइव हो जाएगा तो ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू ई टू दी पावर आई फाइव माइनस ई टू दी पावर माइनस आई फाइव जे जीरो प्लस ई टू दी पावर आई फाइव माइनस ई टू दी पावर माइनस आई फाइव जे वन e to the power 2 i5 plus e to the power minus 2 i5 j2 plus e to the power 3 i5 minus e to the power minus 3 i5 j3 e to the power 4 i5 plus e to the power minus 4 i5 j4 and so on। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, जहां पर प्लस बनना है वहां तो कॉस बन जाएगा, जहां पर माइनस बनना है वहां पर साइन बन जाएगा। तो e to the power x upon 2 के साथ यहाँ हो जाएगा 2i sin 5 ये j0
यहाँ पर आ जाएगा टू आई जे वन साइन फाइव प्लस टू जे टू कॉस टू फाइव प्लस टू आई जे थ्री साइन थ्री फाइव प्लस टू जे फोर कॉस फोर फाइव। अब यहाँ पर दो से दो कैंसिल है, अब यहाँ पर एक की पावर आई थीटा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस के आगे एक्स साइन फाइव प्लस आई साइन के आगे एक्स साइन फाइव। राइट हैंड साइड जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लीजिएगा, इक्वेट आर पी एंड आई बी, यहाँ से रियल पार्ट ले लीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट ले लीजिएगा। तो दो रिलेशन आपके आने वाले हैं, कॉस एक्स साइन फाइव इज इक्वल टू रियल पार्ट आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा जे नॉट प्लस टू जे टू कॉस टू फाइव प्लस टू जे फोर कॉस फोर फाइव, और इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा साइन के आगे एक्स साइन फाइव इज इक्वल टू टू जे वन साइन फाइव प्लस टू जे थ्री साइन थ्री फाइव प्लस डॉट डॉट। इनको एक साथ डाल करके इक्वेशन नंबर वन डाल दीजिएगा। ये देखिएगा दो पहले रिलेशन जो है आपके आ चुके हैं, रियल पार्ट भी आ चुका है और इमेजिनरी पार्ट भी आ चुका है। अभी मैं ये मिटाता नहीं हूँ यहाँ से, अब मुझे चार लाइन आगे और जाना है, अब सी और डी लेने जा रहा हूँ मैं, रिप्लेस फाइव विद फाइव बाई टू माइनस फाइव इन इक्वेशन वन। इक्वेशन नंबर वन में फाइव को फाइव बाई टू माइनस फाइव कर दीजिएगा, साइन फाइव बाई टू माइनस फाइव कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा एस कॉस फाइव, या जे जीरो हो जाएगा और टू अंदर जाएगा तो कॉस फाइव माइनस टू फाइव बनेगा तो माइनस बनेगा, माइनस का टू जे टू कॉस टू फाइव प्लस टू जे फोर कॉस टू फाइव, और दूसरे वाले में क्या बन जाएगा साइन का, साइन के आगे एक्स कॉस फाइव आ जाएगा। अब यहाँ साइन फाइव बाई टू माइनस फाइव करेंगे तो कॉस बन जाएगा टू जे वन कॉस फाइव, अगले में माइनस बनेगा टू जे थ्री कॉस थ्री फाइव डॉट। अब इन रिलेशन से ये वाला रिलेशन लेना है, अब यहाँ पर डाल दीजिएगा दो रिलेशन ये प्रूव हो गए, इन्हीं में डाल दीजिएगा कुल फाइव इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन बन जाएगी, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू जे नॉट माइनस टू जे टू प्लस टू जे फोर एंड सो ऑन, और साइन एक्स इक्वल टू टू जे वन माइनस टू जे थ्री प्लस टू जे फाइव डॉट। अब दो रिलेशन जो है इस प्रकार से ये प्रूव हो जाते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के छह एक्सपेंशन दिए गए हैं जिसमें जो है बेसल फंक्शन जो है इन्वॉल्व है, तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री को आप बेसल फंक्शन के टर्म्स में खोल सकते हैं। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर वन है, इसमें दो रिलेशन प्रूव करने हैं, x sin x = 2 j2 square j2 minus 4 square j4 plus 6 square j6, और इसी तरह से x cos x है, ये दो रिलेशन जो है यूज प्रूव करने हैं, और ये अभी पीछे वाले आर्टिकल में जो हमने फार्मूले डेराइव करे हैं उनसे ही होंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन पहले लेने चलते हैं, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में लेते हैं वी हैव लास्ट आर्टिकल का रिलेशन, आप डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा cos x sin 5 cos x sin 5, इसमें j नॉट प्लस टू जे टू कॉस टू फाइव प्लस टू जे सिक्स टू जे फोर कॉस फोर फाइव एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिएगा, अब ये रिलेशन लाना है, टू स्क्वायर है जे टू के साथ दो का स्क्वायर है, अब यहाँ जे टू के साथ एक दो तो कॉमन है तो ये वाला दो जो है वो तो कॉमन में चला जाएगा, और जे टू के साथ दो का स्क्वायर आना है, जे फोर के साथ फोर का स्क्वायर आना है, तो आप जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फोर बार आएगा, यहाँ से दो बार आएगा, तो आप इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाइव,
y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा, cos का तो हो जाएगा माइनस का sin x sin phi, अब ब्रैकेट के अंदर चलिएगा तो ये हो जाएगा x cos phi, j नॉट जीरो में चला जाएगा, j नॉट जीरो में चला जाएगा और यहाँ से सबसे दो बाहर ले लेते हैं, टू बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू जे टू साइन टू फाइव माइनस फोर जे फोर साइन फोर फाइव, ये हो जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ एक्स बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस फाइव इंटू साइन एक्स साइन फाइव इक्वल टू टू, तो यहाँ टू जे टू साइन टू फाइव प्लस फोर जे फोर साइन फोर फाइव एंड सो ऑन। एक बार डिफरेंशिएशन और करिएगा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाइव, फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ से एस, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई कॉस फाइव का पहले करते हैं माइनस का साइन फाइव इंटू साइन एक्स साइन फाइव, अब यहाँ करेंगे तो साइन का तो कॉस हो जाएगा अंदर से एक्स साइन फाइव का और होगा तो एक्स कॉस फाइव हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा और साइन के आगे हो जाएगा एक्स साइन फाइव टू और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा टू पाई स्क्वायर हो जाएगा जे टू कॉस टू पाई प्लस फोर स्क्वायर जे फोर कॉस फोर पाई। अब आंसर निकाल लेते हैं, पुट अब फाइव की वैल्यू रखने जा रहे हैं, पुट फाइव इक्वल टू पाई बाई टू, फाइव की जगह पाई बाई टू डालेंगे कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ पर साइन पाई बाई टू बनेगा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से साइन एक्स बनेगा और माइनस का एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स इक्वल टू टू, यहाँ कॉस पाई बनेगा तो माइनस आ जाएगा माइनस टू स्क्वायर जे टू और प्लस फोर स्क्वायर जे फोर डॉट डॉट। अब इधर से दोनों से माइनस कॉमन आकर के काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो x sin x इक्वल टू टू, तो यह हो जाता है टू स्क्वायर जे टू माइनस का फोर स्क्वायर जे फोर, सिक्वेंस आगे बढ़ा दीजिएगा सिक्स स्क्वायर जे सिक्स डॉट डॉट प्रूफ, और ये सिक्वेंस जो है हमारी प्रूफ हो जाती है। ऐसी दूसरा रिलेशन जब करने जाएंगे तो आप इसी तरह से करिएगा सेकंड पार्ट, अब इसमें दूसरा रिलेशन लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओड नंबर आ रहे हैं जे वन जे टू आ रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये लेंगे वी हैव साइन एक्स साइन फाइव इक्वल टू टू जे वन साइन फाइव प्लस टू जे टू साइन थ्री फाइव एंड सो ऑन। अभी साफ खुद करेंगे डू एस फर्स्ट पार्ट, बल्कि दो भी यहाँ बाहर कॉमन ले लेता हूँ, इसमें जीरो तो आता नहीं है, जे नॉट तो इसमें आता नहीं है, अब इसे सेकंड पार्ट को फर्स्ट सेकंड पार्ट को बिल्कुल इसी तरह से करिएगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर टू है शो दैट when n is any integer first part pi gn is equal to 0 to pi cos n theta minus x sin theta d theta, second part hai pi j naught is equal to integration 0 to pi cos x cos phi d phi equal to 0 to pi cos x sin phi d phi, ये वैल्यू प्रूव करनी है और उसके बाद वैल्यू एंड डिड्यूस दैट में दे रखी है
एंड डिड्यूस दैट j0 x is equal to summation r t is equal to 0 to infinite minus 1 की पावर r x की पावर 2r upon 2 की पावर r factorial r का whole square। अब जो रिलेशन हमने प्रूव करा है, जो रिलेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं वो अभी लास्ट वाले आर्टिकल्स आएंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेंशन निकाले थे। आप देखिएगा इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, जैसे आप फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है शो दैट व्हेन एन इज एन इंटीजर पाई जेड है, अब यहाँ इंटीग्रेशन जीरो टू पाई है और कॉस के आगे एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा है, कॉस के आगे क्या है एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो आप ऐसे समझिएगा ये है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का जब फार्मूला खोलेंगे तो वो आएगा कॉस ए बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो मुझे कॉस बी चाहिए और साइन बी चाहिए, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और n कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, सवाल को तीन पार्ट में करेंगे, पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सोचेंगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में दो संभावना होती है, एक इवन इंटीजर की और एक ओड इंटीजर की। तो इवन के लिए सवाल करेंगे एक बार और एक बार ओड के लिए सवाल करेंगे, जब पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिलेशन आ जाएगा तो फिर निगेटिव इंटीजर के लिए करेंगे, तब हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन भारी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आपको बनाना है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप सीरीज लिखते हैं अपनी, वी हैव लास्ट आर्टिकल के दोनों रिलेशन लेने जा रहे हैं, कॉस एक्स साइन फाइव का वहां थीटा कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो रिलेशन है वो थीटा में ही है, कॉस के आगे एक्स साइन थीटा जे नॉट प्लस टू जे टू कॉस टू थीटा प्लस डॉट डॉट टू जे टू एम, या जनरल टर्म और डाल देता हूं कॉस टू एम थीटा डॉट डॉट, और दूसरे में है साइन एक्स साइन थीटा टू जे वन साइन थीटा प्लस टू जे थ्री साइन थ्री थीटा एंड सो ऑन प्लस टू जे टू एम प्लस वन साइन, ये टर्म यहां लिख देता हूं टू जे टू एम प्लस वन साइन टू एम प्लस वन थीटा एंड सो ऑन इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार मुझे इवन नंबर के लिए लेके जाना है और एक बार मुझे ओड नंबर के लिए फार्मूला अपना लेकर के जाना है। ये वैल्यू मेरी प्रूव हो चुकी है। अब यहाँ से देखिएगा, जब इस फार्मूले को खोलेंगे आप कॉस ए कॉस बी से, तो आपका ऐसा बनेगा ना कॉस एन थीटा कॉस एक्स साइन थीटा प्लस साइन एन थीटा साइन एक्स साइन थीटा, ये वाला रिलेशन आपका बनेगा। तो मुझे कॉस एक्स साइन थीटा चाहिए था, ये रखा, दूसरा मुझे साइन एक्स साइन थीटा चाहिए था, वो मेरा यहाँ रखा है। अब यहाँ पर एक बार एम की जगह इवन इंटीजर 2m डाल के देखना है और एक बार ओड इंटीजर 2m प्लस 1 डाल करके देखना है, तो दो बार करेंगे यहाँ पर। तो पहले इवन इंटीजर के लिए चलते हैं, यहाँ कॉस है तो कॉस वाले से मल्टीप्लाई, तो कॉस वाले की होगी यहाँ पर कॉस, अब ये ले लीजिएगा, यानी कि आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन नंबर वन में मल्टीप्लाई करिएगा कॉस टू एम थीटा से, और प्लस इक्वेशन नंबर टू में मल्टीप्लाई करिएगा साइन टू एम थीटा से एंड इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बिटवीन लिमिट जीरो टू पाई।
इक्वेशन नंबर वन में cos 2m थीटा से और इक्वेशन नंबर टू में sin 2m थीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिएगा और थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की लिमिट डाल दीजिएगा 0 से पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b बन जाता है ये, तो आपका हो जाएगा cos 2m थीटा माइनस x sin थीटा, ये बन जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा d थीटा। अब इक्वेशन नंबर वन में cos 2m थीटा से मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये बन जाएगा j नॉट इंटीग्रेशन 0 से पाई cos 2m थीटा प्लस 2j2 इंटीग्रेशन 0 से पाई cos, सॉरी यहाँ पर पाई दिया है cos 2 थीटा cos 2m थीटा d थीटा, यहाँ d थीटा छूट गया है प्लस डॉट डॉट 2j2m इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos स्क्वायर 2m थीटा d थीटा प्लस डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 की टर्म आ गई है, अब यहाँ देख लीजिएगा 1 पे आपने sin sin 2m थीटा से करी थी, तो ये आ जाता है 2j1 0 टू पाई sin थीटा sin 2m प्लस 1 थीटा d थीटा प्लस 2j3 0 टू पाई sin 3 थीटा sin 2m प्लस 1 थीटा d थीटा प्लस डॉट डॉट टू सॉरी प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में आएगा टू जी एम टू एम प्लस वन जीरो टू पाई साइन टू एम प्लस वन थीटा इंटू टू साइन एम थीटा डी थीटा प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर मैं एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ, आप जीरो से पाई तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जीरो से पाई तक इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा जीरो आएगा। अगर कॉस की मल्टीप्लाई है साइन की मल्टीप्लाई है दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई करने पर आंसर हमेशा जीरो आएगा, और एक शर्त पर आंसर पाई आ सकता है जबकि स्क्वायर बने, तो उस टर्म में जहाँ पर स्क्वायर बनना होगा वहाँ तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस एन थीटा डी थीटा इक्वल टू दो आंसर आएंगे जीरो, एक एन इज नॉट इक्वल टू एन और दूसरा आंसर आएगा पाई इफ एन इक्वल टू एन। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी साइन के लिए भी होगी जीरो टू पाई साइन एम थीटा डी थीटा जीरो आ जाएगा एक एम इज नॉट इक्वल टू एन और पाई इफ एन इज इक्वल टू एन, ये दो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। आप देखिएगा यहाँ भी स्क्वायर नहीं है यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ देख लीजिएगा यहाँ स्क्वायर बनेगा और सॉरी पाई नहीं आएगा पाई बाई टू आएगा। देखिएगा इस पूरी सीक्वेंस में कहीं भी स्क्वायर बना हुआ है सिर्फ एक जगह, तो यहाँ तो वैल्यू पाई बाई टू आ जाएगी बाकी सारे जीरो में चले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस टू एम थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू टू जे टू एम इंटू पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया पाई जे टू एम इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस टू एम थीटा माइनस एफ साइन थीटा डी थीटा। जो फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन दे रखा था उसमें एन की जगह टू एम रखा हुआ है, तो ये ऐसे लिख लेते हैं रिलेशन इज टू, रिलेशन इज टू फॉर एन इज इक्वल टू टू एम यानी कि इवन इंटीजर। अभी थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं सिमिलरली, अब इवन के लिए बनाया था अब यहाँ 2m प्लस 1 कर दीजिएगा और यहाँ भी 2m प्लस 1 कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा शॉर्ट मार लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos 2m प्लस 1 थीटा प्लस
इक्वेशन नंबर वन में साइन टू एम प्लस वन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेट जीरो टू पाई विद रेस्पेक्ट टू थीटा। और सिमिलरली कर लीजिएगा, सिमिलरली आंसर वही बनेगा जहां स्क्वायर बनेगा। आपकी बार ओड नंबर ले रहे हैं तो आंसर स्क्वायर यहां बनेगा, इस जगह स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन पाई बाई टू बन जाएगा, बाकी सारे जीरो में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस के आगे आ जाएगा टू एम प्लस वन थीटा माइनस एफ साइन थीटा डी थीटा इजिकल टू टू जे टू एम प्लस वन इंटू पाई बाई टू, दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई जे टू एम प्लस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव कॉस टू एम प्लस वन थीटा माइनस एफ साइन थीटा डी थीटा। ये रिलेशन ट्रू हो चुका है ओड इंटीजर के लिए। Given relation is true for n is equal to 2m plus 1 or integer. Even भी हो गए हैं और odd भी हो गए हैं, तो यानी कि सारे positive integer के लिए मेरा relation जो है वो सही है। So पाई जे एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस एन थीटा माइनस एफ साइन थीटा डी थीटा इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन। तो जो रिलेशन हमें दे रखा था वो पॉजिटिव इंटीजर एम के लिए, एन के लिए रिलेशन जो है वो ट्रू। अब नेगेटिव इंटीजर के लिए चलते हैं। If n is negative integer, say n is equal to minus m, where m is positive integer. अब रिलेशन लेने चलते हैं। अब रिलेशन में 0 to pi cos n theta minus f sin theta d theta 0 टू पाई कॉस एन की वैल्यू डाल दीजिएगा माइनस एन थीटा माइनस एफ साइन थीटा डी थीटा। अब कॉस पे तो कॉस है यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉस पे तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पैसे करिएगा फुट थीटा इक्वल टू डाल दीजिएगा पाई माइनस पाई, तो यहाँ से डी थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस का डी फाई, तो माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ फाई आ जाएगी, ऊपर लिमिट आ जाएगी जीरो। कॉस माइनस एम थीटा की वैल्यू डाल रहे हैं तो माइनस का एम फाई आ जाएगा प्लस का एम फाई आ जाएगा। प्लस का एम फाई आ जाएगा और साइन फाई माइनस फाई है तो माइनस का एक्स साइन फाई रहेगा और यहाँ माइनस बाहर आ चुका है तो ये डी फाई बन जाएगा। माइनस से लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस से लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई और कॉस के आगे एम फाई माइनस एक्स साइन फाई एक साथ और माइनस एम फाई और डी फाई। अब यहाँ पर फार्मूला बोल दीजिएगा, अब ध्यान रखिएगा एम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये हो जाएगा जीरो से पाई कॉस एम फाई माइनस एफ साइन फाई कॉस एम फाई प्लस साइन एम फाई माइनस एफ साइन फाई साइन एम फाई डी फाई। अब यहाँ पर यूज करते हैं
एम पाई वाली टर्म हटाने जा रहा हूं मैं इस समय, cos m pi इक्वल टू माइनस वन की पावर m बनेगा और sin m pi इक्वल टू बनेगा जीरो। m is पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला पद जीरो में चला जाएगा, यहाँ माइनस वन की पावर m आ जाएगी, तो माइनस वन की पावर m आ जाएगी जीरो टू पाई, और यहाँ cos के आगे आ जाएगा m pi माइनस एम साइन फाई डी फाई। अब एम पॉजिटिव इंटीजर है तो ये बन चुका है माइनस वन की पावर एम जे एम, हाँ इनटू में फाई और है, ये हमने ये वाला रिलेशन यूज कर लिया है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर था फाई जे एन था, एम पॉजिटिव इंटीजर था, तो यहाँ एम पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर अपना रिलेशन यूज कर लेते हैं तो ये हो जाता है जे माइनस एम फाई इंटू जे माइनस एम, और यहाँ देख लीजिएगा वैल्यू n इज इक्वल टू माइनस एम के, तो ये हो जाता है पाई जे। इस प्रकार से नेगेटिव इंटीजर के लिए भी आपका रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब यहाँ पर सेकंड रिलेशन लेने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट, अब जे जीरो निकालना है, वी हैव ये उठा लीजिएगा cos x cos phi इक्वल टू j0 माइनस 2 j2 cos 2 phi प्लस 2 j4 cos 4 phi डॉट डॉट। cos x cos phi है, अब यहां से मुझे j0 निकालना है, बाकी सारे जो है वो जीरो में आने चाहिए, ये हो जाता है इंटीग्रेट with respect to phi between limit 0 to pi, so 0 to pi cos s cos phi d phi is equal to j 0 integration 0 to pi d phi minus 2 j 2 0 to pi cos 2 pi d phi, कॉस के इंटीग्रेशन साइन होंगे और साइन जीरो पे भी जीरो होगा, पाई पे भी जीरो होगा, तो सारी वैल्यू जीरो में चली जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी नॉट इंटू यहाँ पाई, तो जी नॉट इक्वल टू रिलेशन आ गया जीरो टू पाई कॉस एक्स कॉस पाई डी फाई। ये वैल्यू प्रूव्ड हो गई है, जे जीरो इक्वल टू आ गया है वन अपॉन पाई जीरो से पाई कॉस एक्स कॉस पाई डी पाई। अब उसके बाद डिडक्शन दे रखा है, इसी फार्मूले को आगे खोल देते हैं कॉस एक्स के एक्सपेंशन में, डिडक्शन जे जीरो इक्वल टू वन अपॉन पाई है जीरो टू पाई है, कॉस का एक्सपेंशन खोल देते हैं वन माइनस एक्स कॉस फाइव एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू दी पावर फोर कॉस फोर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन डी फाइव। अब यहाँ पर लिमिट जीरो से पाई चल रही है, प्रॉपर्टी का दो बार कर लीजिएगा टू अपॉन फाइव बाहर आ जाता है और अंदर लिमिट ले चलेंगे, यहाँ हो जाएगी जीरो से फाइव बाई टू डी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव प्लस एक्स की पावर चार बटे फैक्टोरियल चार इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर फोर फाइव डी फाइव। अब यहाँ सब जगह गामा फंक्शन लगा दीजिएगा टू अपॉन पाई, यहाँ तो किस्सा खत्म हो जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टर दो, यहाँ गामा में दो है तो दो और एक गामा तीन बटे दो वैल्यू जीरो है एक बटे दो और नीचे टू दोनों का टोटल तीन और एक चार बटे दो यानी कि गामा दो प्लस एक्स की पावर चार बटे फैक्टोरियल चार कॉस की पावर चार है गामा पाँच बटे दो गामा एक बटे दो टू गामा और पाँच और एक छः बटे दो यानी कि गामा
डेल्टा का, ये जो हो गया 2 अपॉन पाई पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टर जो है 1 को गामा 3 बाई 2 का 1 अपॉन 2 रूट पाई अपॉन 2 फैक्टर गामा 1 फैक्टर गामा 2 का 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 2 3 4 गामा 5 बटे 2 का 3 बटे 2 1 बटे 2 अंडर रूट पाई बटे 2 गामा 3 फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2 डॉट डॉट। अब देख लीजिएगा 2 अपॉन पाई अंदर से पाई बाई 2 बाहर लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ये इतना बाहर चला गया है पाई अपॉन 2 तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस पाई कैंसिल 2 कैंसिल प्लस यहाँ एक्स की पावर 4 कितना बाहर चला गया है पाई बाई 2 बाहर चला गया है 3 से 3 कैंसिल है तो 1 बटे यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ 2 दुनी हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट। ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसे लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर एक्स की पावर 4 यहाँ 2 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है तो 1 इंटू 2 डाल देते हैं यहाँ बल्कि ऐसे लिख लेते हैं ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर अब यह 2 की पावर 4 यानी कि 16 तो बाहर आ जाएगा अब यह है 16 चौक 64 16 तो आ चुका है और मुझे चाहिए 4 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर डॉट डॉट। यहाँ से मेरा समीकरण तैयार हो गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 की पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट। ये हो जाता है समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r एक्स की पावर 2 r 2 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर। ये आखिरी वाली लाइन दिखा देता हूँ, नहीं दिख रही है ये 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर और इस तरह से समीशन में आपका जे नॉट एक्स की वैल्यू जो है वो तैयार हो जाती है। क्वेश्चन को इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये एग्जांपल नंबर 3 में प्रूव करना है वेरीफाई डायरेक्टली फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन जे 0 एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई cos x sin phi d phi then J0X satisfy Bessel equation for n is equal to 0 यानी कि जो फार्मूला J0 का J0 का दे रखा है उसे लेकर के प्रूफ करना है कि ये Bessel equation n is equal to 0 के लिए सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करूंगा इससे Bessel equation जो है डेराइव कर लूंगा, सॉल्यूशन से इक्वेशन आ रही है तो यानी कि उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसे ऐसे ले लेते हैं, ये वैल्यू गिवन है लेट पाई इक्वल टू जे नॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई कॉस एक्स साइन पाई डी पाई। यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई है इक्वेशन 1, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दीजिएगा 1 अपॉन पाई 0 टू पाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन पाई और मिल जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पाई इंटू cos x sin phi d phi इक्वेशन 2। एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में d2y / dx स्क्वायर फिर sin phi मिलेगा आपको तो हो जाएगा sin स्क्वायर phi इनटू और हाँ डिफरेंशिएशन करते समय एक चीज में ध्यान रखनी भूल गया हूँ, जब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो पहले तो cos का होगा तो माइनस आएगा और यहाँ पर साइन आ जाएगा फिर अंदर जाएगा डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ साइन का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन पाई है साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos x sin phi d phi इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से मैं बेसल इक्वेशन बनाने वाला हूँ, आप इक्वेशन नंबर 2 को लीजिएगा।
वाई इक्वेशन को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन पाई जीरो टू पाई। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड डाल दीजिएगा, साइन फाइव इंटू साइन एक्स साइन फाइव डी फाइव, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो माइनस के वन अपॉन पाई फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स साइन फाइव, और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो माइनस का कॉस पाई आ जाएगा इंटीग्रेशन के लिमिट जीरो टू पाई। फार्मूले का माइनस आएगा, माइनस बाहर से आ रहा है प्लस, माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन पाई हो जाएगा और जीरो टू पाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस आ जाएगा एक्स साइन फाइव आ जाएगा इंटू साइन फाइव, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन फाइव डी फाइव मिलेगा, माइनस का साइन फाइव डी फाइव मिलेगा। अब यहाँ देख लीजिएगा पाई है तो साइन, यहाँ जब पाई रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, और इंटीग्रेशन फाइव के रेस्पेक्ट में जीरो रखेंगे तो भी जीरो, ये टर्म तो जीरो में चली जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी, या माइनस बाहर आ जाएगा माइनस का वन अपॉन पाई जीरो टू पाई। अब यहाँ साइन पाई और साइन पाई है तो ये साइन स्क्वायर हो गए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर तोड़ देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर पाई, और यहाँ हो जाता है कॉस एक्स साइन पाई डी पाई। तो यहाँ पर अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, माइनस वन अपॉन पाई जीरो टू पाई कॉस एक्स साइन फाइव डी फाइव, और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन पाई जीरो टू पाई कॉस स्क्वायर फाइव कॉस एक्स साइन फाइव डी फाइव। यूज इक्वेशन वन एंड थ्री, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से डाल दीजिएगा। तो ये चल रहा था डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, ये तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो वाई की वैल्यू है और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ चुकी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, बेसल इक्वेशन फॉर एन इक्वल टू जीरो। ये एन इक्वल टू जीरो की आपकी बेसल इक्वेशन प्रूव हो चुकी है, और इस प्रकार से हमने सिद्ध किया है जो मान हमें दिया है उससे हमने बेसल इक्वेशन जो है वो निकाल दी है। और हाँ, एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी देर से गड़बड़ हो गई है, या अभी वो रह गया है वन अपॉन एक्स और रह गया है, देखिएगा कहीं डिफरेंशिएशन में गलती हुई है फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, यहाँ वो और छूट गया है एक्स, तो यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा एक्स अपॉन पाई, यहाँ भी माइनस का एक्स आएगा, ऐसे कर लेता हूँ माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स को इधर ले जाता हूँ वन अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब सही है, एक्स वाली वैल्यू छूट गई थी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर फाइव है, एग्जाम्पल नंबर फाइव है इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट यू टू दी पावर माइनस ए नॉट जे जीरो डी एक्स डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए से बदल जीरो। अब इसके लिए ये वाली रिलेशन यूज कर लीजिएगा, जो रिलेशन यहाँ पर आ रहे हैं वो एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन बनकर चला जाता है। सबसे पहले फॉर्मेशन में यही लेते हैं, वी हैव जे जीरो एक्स इक्वल टू वन अपॉन पाई जीरो टू पाई कॉस एक्स साइन पाई डी फाई। अब इनके क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीछे वाले क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो इन्हें फार्मूले की तरह से हमें याद रखना पड़ता है।
जे जीरो एक्स हो गया, अब यहाँ देख लीजिएगा जे नॉट बी एक्स है, रिप्लेस एक्स विद बी एक्स, एक्स को बी एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये हो जाता है जे नॉट बी एक्स इक्वल टू वन अपॉन फाइव जीरो टू फाइव कॉस बी एक्स साइन फाइव डी फाइव। जे जीरो बी एक्स है, अभी इंटीग्रेशन पाई के रेस्पेक्ट में है, अब यहाँ से एलएचएस उठा लीजिएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू डी पावर माइनस ए एक्स जे नॉट डी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू डी पावर माइनस ए एक्स, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस डी एक्स साइन फाइव डी फाइव और यहाँ डी एक्स। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कॉन्स्टेंट है, और जब इंटीग्रेशन की लिमिट कॉन्स्टेंट होती है तो हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो वन अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस डी एक्स साइन फाइव और यहाँ डी एक्स और बाहर डाल दीजिएगा डी फाइव। आप चूंकि ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बटे दो, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन पाई हो जाएगा जीरो टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस ई एक्स इंटू ई टू दी पावर आई डी एक्स साइन फाइव प्लस ई टू दी पावर माइनस आई डी एक्स साइन फाइव अपॉन टू डी फाइव सॉरी यहाँ डी एक्स और बाहर डी फाइव, तो वन अपॉन टू पाई बाहर आ जाएगा जीरो टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट यहाँ लेकर जाइएगा तो ये हो जाता है ई टू दी पावर माइनस का एक्स कॉमन ले लेते हैं ए माइनस आई बी साइन फाइव और प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं ए प्लस आई बी साइन फाइव और अंदर इंटीग्रेशन डी एक्स है और बाहर है डी फाइव। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिएगा वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई यहाँ देख लीजिएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स ए माइनस आई बी साइन फाइव अपॉन माइनस ए माइनस आई बी साइन फाइव यहाँ भी माइनस आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स ए प्लस आई बी साइन फाइव अपॉन माइनस बाहर लग गया है ए प्लस आई बी साइन फाइव लिमिट जीरो से इनफाइनाइट और बाहर बचा हुआ है विथ डी फाइव। जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ई टू डी पावर में माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, अपर लिमिट जब आप रखेंगे तो ई टू डी पावर में इनफाइनाइट आ जाएगा, ई टू डी पावर में माइनस इनफाइनाइट जब बनता है तो वैल्यू जीरो हो जाती है, तो अपर लिमिट रखने से जीरो आ जाएगा और लोअर लिमिट रखी जाएगी तो ई टू डी पावर जीरो वन बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन टू पाई जीरो टू पाई यहाँ बचेगा वन अपॉन ए माइनस आई बी साइन फाइव प्लस वन अपॉन ए प्लस आई बी साइन फाइव डी फाइव वन अपॉन टू पाई जीरो टू टू पाई जीरो टू पाई एल्सियम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा टू ए नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव टू से टू कैंसिल। अब ये 12th क्लास का क्वेश्चन बन चुका है ए अपॉन पाई और बाहर जीरो टू पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई है ना, तो साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई डी फाइव नीचे ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस बी स्क्वायर। अब कॉट फाई का जो डिफरेंशियल होता है वो कॉसेक होता है ना, तो
कॉस स्क्वायर फाइव का है, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं आप, और एक काम करिएगा आगे जाकर के कॉस को टी मानना पड़ेगा ना, तो ऐसा और कर लीजिएगा कॉस स्क्वायर फाइव को ए अपॉन फाइव जीरो टू फाइव कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव को तोड़ेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग चले जाएंगे प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाइव अलग हो जाएगा, है ना। अब ए भी अंदर लेने वाला हूँ और ए का मैं करता हूँ तो यहाँ दो बाहर ले लेता हूँ, टू अपॉन फाइव लिमिट हो जाती है जीरो से फाइव बाई टू, तो ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव, और नीचे हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए कॉट फाइव का होल स्क्वायर। अब लेट कर लीजिएगा ए कॉट फाइव इक्वल टू टी, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव इक्वल टू मिलेगा तुम्हें माइनस का डी डी, तो ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव, माइनस बाहर आ जाएगा लिमिट, जब जीरो रखेंगे और जीरो पे इनफाइनाइट बनेगा फाइव बाई टू पर बनेगा जीरो, माइनस बाहर आ चुका है डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसे टेन इनवर्स भी बना सकते हैं, इसे कॉट इनवर्स भी बना सकते हैं, चलो ये ऐसे कर लेता हूँ टू अपॉन फाइव माइनस हटा देता हूँ और लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट डी टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। टेन इनवर्स की तैयारी करेगा टू अपॉन फाइव वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट। टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू तो जीरो में चली जाएगी लेकिन टेन इनवर्स इनफाइनाइट जब रखेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू अपॉन फाइव वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पाई बाई टू, ये कैंसिल ये कैंसिल वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और इस प्रकार से हमारा इंटीग्रेशन जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है एग्जाम्पल सिक्स, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट जे एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट फाइव गामा एन प्लस हाफ एक्स बाय टू की पावर एन जीरो टू फाइव cos x sin 5 cos to the power 2 n5 d5। second part gnx is equal to 1 upon under root 5 gamma n plus half x upon 2 to power n 0 to 5 cos x cos 5 और बाहर साइन टू की पावर एन फाइव डी फाइव। ये 2016 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला आया था 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन पे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल एक ही है सॉल्यूशन। जैसे हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं एक ही पार्ट करेंगे बस, फर्स्ट और सेकंड में कोई फर्क नहीं है, आरएचएस ले लीजिएगा एक्स अपॉन टू की पावर एन जीरो टू फाइव कॉस एन माइनस फाइव कॉस की पावर टू बाई फाइव डी फाइव। पहली बात तो इसमें गामा फंक्शन लगाना है तो लिमिट जो जीरो से पाई है वो जीरो से पाई बाई टू करनी पड़ेगी, दो बाहर ले लीजिएगा टू अपॉन अंडर रूट फाइव गामा एन प्लस हाफ एक्स अपॉन टू की पावर एन, अब यहाँ पर लिमिट हो गई है जीरो टू फाइव बाई टू कॉस एक्स कॉस फाइव का एक्सपेंशन बोल दीजिएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर
साइन की पावर 4π अपॉन फैक्टर 4 डॉट डॉट और बाहर है कॉस की पावर 2n5 d5। यह है 2 अपॉन अंडर रूट पाई कॉमा n प्लस हाफ एक्स अपॉन 2 की पावर n। अंदर चलिएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस 2 की पावर n5 d5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 0 से पाई बाई 2 और कॉस की पावर 2n5 साइन स्क्वायर 5 डी है प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 0 से पाई बाई 2 कॉस टू की पावर 2n5 साइन 4π डी 5 एंड सो ऑन। अब इन सब जगह गांव फंक्शन लगा दीजिएगा। आता है 2 अपॉन अंडर रूट पाई गामा एन प्लस हाफ एक्स अपॉन 2 की पावर एन कॉस टू की पावर 2n है तो कॉस की पावर 2n है तो एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा गामा एन प्लस हाफ और दूसरा हो जाएगा गामा 1/2 और नीचे फार्मूले का 2 आ जाएगा और दोनों का टोटल गामा एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ पर गामा एन प्लस 1/2 आ जाएगा और 2 गामा हो जाएगा 3/2 2 और यहाँ टोटल करेंगे तो एन प्लस किनारे 4/2 गामा एन प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 गामा एन प्लस हाफ आएगा गामा 5/2 आएगा 2 गामा एन प्लस 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिएगा ये 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है ये 2 सबसे कट जाएगा और गामा एन प्लस हाफ सब जगह तो ये कट जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट पाई और ये गामा कट गया है एक्स अपॉन 2 की पावर एन बचा है और यहाँ अंडर रूट पाई हो गया है 2 जा चुका है यह गामा एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 का 1/2 ये कैंसिल हो चुका है 1/2 अंडर रूट पाई और गामा एन प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल 4 3/2 1/2 अंडर रूट पाई गामा एन प्लस 6 अंडर रूट पाई भी जो है सब में से कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 की पावर एन 1 अपॉन गामा एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऐसा पढ़ लीजिएगा फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 गामा एन प्लस 2 और एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर पढ़िएगा ऐसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और एक्स अपॉन 2 की घात 4 बनेगी तो 2 की पावर 4 16 तो अलग चाहिए मुझे 4 दो 8 दो 16 यहाँ से बचेगा प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 गामा एन प्लस 3 एक्स अपॉन 2 की पावर 4 डॉट ऑफ अभी से समीशन बना लीजिएगा एक्स अपॉन 2 की पावर एन समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 और एक्स अपॉन 2 की पावर 2 आर इसे भी अंदर ले जाइएगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 आर ये बन चुका है आपका जवाब।
ये dlx आ गया है, ये आपकी lhs आ चुकी है। तो जिस तरह से फर्स्ट पार्ट है उसी तरह से सेकंड पार्ट है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी cos का एक्सपेंशन खुलेगा, बाहर से साइन आ जाएगा, अंदर से cos आ जाएगा, यानी कि ये लाइन और ये लाइन अलग होगी, लेकिन उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक, cos की पावर साइन को मिल जाएगी, साइन की पावर जो है वो cos को मिल जाएगी। नंबर सेविंग नहीं करेंगे, 2928 एग्जांपल 8 टू योर सेल्फ, इसे खुद कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 9 टू योर सेल्फ, एग्जाम्पल नंबर 10 लगा देता हूँ, 10 का सिर्फ ए पार्ट करना है, इंटीग्रेशन 0 टू एन एक्स की पावर माइनस एन ए एन प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर एन गामा एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन जी एन। और शर्त ये रखी है जी एन एन ग्रेटर देन 1, ये भी रिकरेंस फार्मूले का यूज है। 5th रिकरेंस फार्मूला, फिफ्थ रिकरेंस फार्मूले में है हमारा डी वाई डी एक्स एक्स टू डी पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 सॉरी जे एन माइनस एक्स टू डी पावर माइनस एन और जे एन प्लस 1। ये हमारा पांचवा रिकरेंस फार्मूला है, यहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा, ये टर्म ये वाली पड़ी हुई है और इंटीग्रेशन 0 से एस कर रहा है, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन लिमिट 0 टू एक्स, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट जाएगा, एक्स टू डी पावर माइनस एन जी एन, सीधे सीधे लिमिट आ जाएगी 0 टू एन माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स टू डी पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, आपका लिमिट में तो ऐसा कैसे आ जाएगा, एक्स टू डी पावर माइनस एन जे एन माइनस 0 का मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, लिमिट एक्स एक्स टू 0 जे एन अपॉन एक्स की पावर एन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, लिमिट एक्स एक्स टू 0 जे एन अपॉन एक्स की पावर एन की वैल्यू, क्योंकि जे एन इक्वल टू है एक्स की पावर एन अपॉन टू की पावर एन गामा एन प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू एन प्लस 2। अब यहाँ से जे एन अपॉन एक्स की पावर एन 1 अपॉन टू की पावर एन प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू एन प्लस 2 ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 जे एन अपॉन एक्स की पावर एन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर एन गामा एन प्लस 1। और इतना हिस्सा प्रूव करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 2013 में आया था शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, ये 2013 में आया था। अब ये वैल्यू आपकी लिमिट एक्स टेंस टू 0 की आ चुकी है, उठाकर यहाँ वैल्यू डाल देंगे, ये वैल्यू पड़ी है माइनस को इधर ले जाएंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एन एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन प्लस 1
इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू दी पावर n गामा n प्लस 1 माइनस f टू दी पावर माइनस n j l। तो इस प्रकार से आपका रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है। ये एग्जांपल नंबर 10 था। एग्जांपल नंबर 11 ये रिक्रेंस फार्मूले का रिलेशन है, इसे आप खुद कर सकते हैं। धीरे धीरे रिक्रेंस फार्मूले जो है तोड़ते चले जाएंगे। एग्जांपल नंबर 11 में ये दे रखा है इंटीग्रेशन x टू j 3x dx, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो यही रिक्रेंस फार्मूला आपको यूज करना है। यही पांचवा रिक्रेंस फार्मूला जो है वो यूज करना है। और जे के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे एक एक टर्म टूटती चली जाएगी और इंटीग्रेशन जो है वो होता चला जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 टू योर साइड, इसमें भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और आप सॉल्यूशन को आसानी से कर सकते हैं। और ये हमारा जो है बेसल फंक्शन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।